गुरु किसको कहते हैं? गुरु किसको कहते हैं? गुरु आजकल गुरु कम मिलते हैं और गुरु घंटाल ज्यादा मिलते हैं। आजकल बदमाश लोगों को भी क्या कहा जाता है, क्या गुरु? और गुरु का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, मैथ पढ़ाने वाला नहीं, क्लासरूम में इंग्लिश पढ़ाने वाला नहीं, वो तो शिक्षक हैं। क्या है? शिक्षक है, वो गुरु नहीं है। वो किस चीज की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? हमारे पेट भरने की व्यवस्था आगे कैसे, सीधी बात, चाहे मैथ पढ़ के भरे चाहे केमिस्ट्री पढ़ के भरे, उद्देश्य सामने है। क्या मेरा पैकेज कितना मिलेगा, मेरा सैलरी क्या होगा जिससे मेरा पेट चल सके? पेट भरने की जो व्यवस्था करते हैं, जो पढ़ाता है, उसको क्या कहते हैं? शिक्षक। उनका भी सम्मान है, होना चाहिए। गुरु का काम बड़ा दूसरा होता है, गुरु का काम तो दूसरा होता है। गुरु तो करंट पैदा करता है, और जब गुरु का करंट किसी को लग जाए तो आदमी चैन से नहीं रहता है। और गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है, गुरु कोई व्यक्ति, गुरु एक पावर है, एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। महाभारत में आपने देखा द्रोणाचार्य, नाम सुना है आपने? द्रोणाचार्य क्या थे? गुरु थे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो उस समय पढ़ाना था वो पढ़ा रहे थे, सबको शिक्षा दे रहे थे। एक आदिवासी का लड़का, भील का लड़का आता है और कहता है, साहब हम भी आपसे शिक्षा लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, तुमको हम नहीं पढ़ाएंगे, हमने संकल्प लिया है कि दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी किसको बनाएंगे? अर्जुन को बनाएंगे, तुम जाओ, आप होते तो क्या करते? नहीं पढ़े लो मास्टरवा, राज्य के बेटा के पढ़ावा है। आप होते, आज वाले आप होते, झुलफी कुल्फी हिलफी वाले, चबूतरा छाप वाले, तो आप यही कहते, नए पढ़ल को मास्टर बा, चल दूसरे यहाँ, ये एगो थोड़े मास्टर है, बहुते मास्टर है। आप यही कहते, चूंकि आप विद्वान हैं, और बिहार की दुर्दशा का मूल कारण विद्वान आप जैसे होना ही है। वो क्या किया जिसको गुरु ने कहा हम नहीं पढ़ाएंगे? क्या किया? जंगल में चला गया और क्या किया? गुरु का मूर्ति बना लिया, मूर्ति। प्रत्यक्ष गुरु किसको शिक्षा दे रहे हैं? और मूर्ति वाला, वही मूर्ति, द्रोणाचार्य का मूर्ति बना लिया और प्रैक्टिस शुरू कर दिया। प्रैक्टिस जैसे मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके, प्रैक्टिस शुरू कर दिया। और इतना प्रैक्टिस किया कि अगर उसका अंगूठा नहीं काटा जाता तो दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी कौन बनता? वो एकलव्य बनता। इसका मतलब पावर गुरु के पास नहीं है, गुरु का पावर अंतरिक्ष में होता है। और ये भारत के ऋषियों ने इस पर शोध किया था कि पावर ऊपर होता है, और गुरु जब किसी को सच्चे रूप में, भाव रूप में मिल जाए तो सामान्य व्यक्ति भी असामान्य काम करने लगता है। दुनिया देख के आश्चर्य में डूब जाती है, अरे ये कल का आदमी कैसे इतना शक्तिशाली हो गया? क्योंकि उसको कौन मिल गया? गुरु मिल गया। तो आजकल गुरु कम मिलते हैं और गुरु घंटाल लॉज लॉज में मिलते हैं। हर लॉज में दो चार गो चक्का बैठा हुआ है, दस गो, बीस गो, ज्यादा संख्या कहिए। हम तो डूबे सनम, आज की कहानी है ये, हम तो डूबेंगे ही लेकिन साथ साथ तुमको भी डुबाएंगे। पियो तो जानो, खाएगा आपके लिए है, इनके लिए नहीं। नहीं खाते, हल्का ले ना हल्का ले, आदत डालता है।
ये सब हैं भारत के होनहार सपूत। ये प्रोडक्शन हाउस है और इन्हीं के बल पर भारत सपना देख रहा है कि हम जापान का बराबरी करेंगे, जर्मनी का बराबरी करेंगे, अमेरिका का बराबरी करेंगे, स्विट्जरलैंड का बराबरी करेंगे। किसके बल पर? आपकी बराबरी तो ठेला पर सामान बेचने वाले से भी नहीं हो सकती है, वो भी आपसे बढ़िया है, माफ करना। इसलिए भैया, गुरु से जुड़ने का जो पावर है, गुरु से जुड़ने की जो शक्ति है, वो अद्भुत है। इसी बिहार में कौन राजा हुए? चंद्रगुप्त। उनकी राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त कौन थे? एक साधारण सा, साधारण, और उसको गुरु मिला। गुरु का नाम चाणक्य मिल गया। और एक अनगढ़, रोड पर भटकने वाला, गुल्ली डंडा खेलने वाला। गोली खेले? कितने लोग खेले? क्या बात, मजा आ गया। मैं तो सोचा आज नए जनरेशन से पूछेंगे, हम लोग के घर में भी मेरा बेटा है, पूछेंगे, वो लोग देखा ही नहीं। आप लोग सौभाग्यशाली हो, कम से कम देखे भी हैं और खेले भी हैं। गोली खेलने वाला, गली गली घूमने वाला, और उसको अनगढ़ बिल्कुल गया गुजरा, चौकी पर सोने वाला, रात में चौकी से गिर जाने वाला, उसको कौन मिल गया? कौन मिल गया? गुरु मिल गया, गुरु मिल गया। और जब गुरु मिल गया तो अनगढ़, अनपढ़, फक्कर भारत का कौन सम्राट बना? चक्रवर्ती सम्राट बन गया। स्वर्ण काल माना जाने लगा चंद्रगुप्त मौर्य। ये गुरु की शक्ति है जो सामान्य से भी व्यक्ति को आसमान में पहुंचा देता है। यही है गुरु की पावर। गुरु कोई व्यक्ति? हम लोगों ने गुरु को देखा भी नहीं, फोटो देखे। हम लोग भी साधारण थे। आज लोग यूट्यूब पर सुनते हैं, उधर से लिखते हैं कि आप कैसे इतना बढ़िया बोल लेते हो। साहब, राई को पर्वत कर दे, पर्वत को, ये पावर है। विवेकानंद, दो रोटी खाने का जुगाड़ नहीं था, दो रोटी, जीवनी पढ़िए, गली गली घूम रहे थे बीए पास, उस जमाने का बीए, जिस जमाने में बीए का कोई वैल्यू था। आज तो बिहार में जिससे भी पूछिए, क्या है हो? बीए किए हैं। बीए मतलब, मैं बीए का नाम क्या दिया हूं? बीए बैल, बीए बैल। कोल्हू में बैल पेरते देखे हैं? बीए पास उस जमाने में, और नौकरी नहीं मिल रहा है, गली गली भटक रहे हैं, सबके दरवाजे पर जा रहे हैं, नौकरी का किल्लत उस समय भी था। और वहीं पर खोजते खोजते इनको एक समर्थ गुरु मिल गया। कौन गुरु? क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस कितने पढ़े लिखे थे? सेंट सेवरिंग के स्टूडेंट थे कि सेंट माइकल के, कि पिलानीविट्स के? कौन छाप, कौन छाप? और बीए पास, और कौन छाप गुरु मिला? समर्थ अंदर है। और गुरु जब मिला तो सामान्य सा बीए पास नौजवान पूरी दुनिया में पताका फहराता हुआ चला गया। ये गुरु की शक्ति है, ये भगवान की शक्ति है। भगवान और गुरु में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन गुरु मिलते कहाँ हैं? आजकल तो गुरु के बदले टीका, चंदन, गेरुआ बस्तर, राम राम, ऐसे आंख दबाए हुए। आप भी वही हैं, सातिर हैं, सातिर मुस्किया रहे हैं, मौका नहीं मिला है तो अंगूर खट्टा है,
आप लोग अच्छे लोग हैं। पढ़ता हूँ, सुतता हूँ, उठ जाता हूँ और फिर गिर जाता हूँ, माफ़ करना, आप लोग बड़े अच्छे लोग हो। ऐसा माल मिलता कहाँ है, हैं? इसी के बल पर मोदी जी मेकिंग इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्मार्ट सिटी। एक बहुत पहले मुझे याद है प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत में कौन सिटी बनेगा, कौन सिटी, स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी में रहेगा कौन, स्मार्ट सिटी का दीवाल कौन रंगेगा, है? आप सिटी को तो स्मार्ट कर दोगे प्रधानमंत्री जी, लेकिन ये अगर सही मायने में स्मार्ट नहीं हुए तो आपके स्मार्ट सिटी को भी हम ऐसा सिटी बना देंगे कि जब बाहर का लोग आएगा स्मार्ट सिटी देखने तो वो भी सिटी बजाने लगेगा। इसको कौन स्मार्ट बनाएगा, इसको मतलब सिर्फ आप ही नहीं, आप तो आप हो, आपके बारे में क्या कहना, आपका ज्ञान ही आपको डुबाएगा, ये भी नोट कर लीजिए। जो ज्ञान लेके आप बैठे हो आपके दुर्दिन का कारण वही ज्ञान है, क्योंकि आपके पास इतना न ज्ञान आ गया है एनालिसिस करना, किस पर, अपने पर नहीं। समझ रहा था तुम, बहुत तेज है। अब देखो साहब, एनालिसिस अपने पर करना था, ध्यान का मतलब किस पर एनालिसिस करना, अपने पर है? इसलिए मैंने कहा स्मार्ट। अभी क्या हुआ, मैंने टेलीविजन पर एक दिन न्यूज में देखा, देखिए आपके चरित्र को पहले दिखाना पड़ता है कि आप क्या है। जींस पैंट हमको मत दिखाइएगा, ये सब गांव घर में जाइएगा ना, वहाँ दिखाइएगा, मामू के बेटा के ब्याह में दिखाइएगा, मौसा के बेटा के ब्याह में दिखाइएगा, फूफा को दिखाइएगा, हमारा मत दिखाइए। हम देख देख के 27 साल में पक गए हैं आपको, आपका थोबरा देख के हम पकड़ते हैं कि दुष्ट है, एक नंबर का ही, ये चप्पल चोर है। आप लोग नहीं, आप लोग तो अच्छे लोग हो, आप भी वही हो लेकिन थोड़ा कम हो। एक यूट्यूब पर, एक मैसेंजर पर आज लेडीज हैं राजस्थान की, वो हमसे कह रही थी कि आप लड़के लोगों को तो बहुत क्लास ले लेती हो, इनको मत बख्शो, इनको भी हल्का हल्का डोज दिया करो। मैंने कहा अभी शुरुआती दौर है, अभी हल्का दवाई दे रहे हैं, कम डोज वाला, धीरे धीरे डोज बढ़ाएंगे। इसलिए आप भी ये मत सोचिए कि सब उधरे का मामला है, आप भी कम नहीं हैं। चलो दोनों का मान बराबर है, अच्छे लोग हैं आप। हाँ, तो मैं ये कह रहा था आपको कि साहब देखो इसको ठीक, अभी मैं एक कहानी कह रहा था। यूपी में एक प्रधानमंत्री जी ने बड़ा सुंदर ट्रेन चलाई, उस ट्रेन का नाम था महामना, महामना एक्सप्रेस। क्या नाम था, अंदर से बड़ा खूबसूरत ट्रेन, बहुत खूबसूरत, वो ऊपर चढ़ने के लिए उसमें सीढ़ी का व्यवस्था, बहुत सुंदर एकदम, उसका जो बेसिन वेसिन था सब एकदम नए डिजाइन में, अंदर जाते मन खुश हो जाता था। उसमें हमारे ये लोग जो यात्रा करने वाले भारत के होनहार, जींस वाले, टी शर्ट वाले, झुलफी वाले, क्या किया, उसमें इतना पीक फेंका कि उसका नाली जाम हो गया। आऊ जो उसका उसको घुमा, हल्का सा इसे टच करके घुमाना रहता था, उस सब लटका दिया। अरे आप अच्छा चीज दे भी दोगे इसको, कुछ दिन के बाद वो ऐसा ही बना देगा, क्योंकि सुधार पहले इसका करिए, इसको स्मार्ट बना दीजिए तो ये बंजर भूमि को भी लहलहाता हुआ फसल वाला भूमि बना देगा। और नहीं, अगर आप इसको नहीं बनाए और इसको आप लहलहाता हुआ फसल दे दिए तो कुछ दिन के बाद कहेगा सब सूख गया पौधा, हम तो बैठल थे लेकिन सूख गया। रेलवे को सुखा देगा, बैंक को सुखा देगा, झारखंड में जो पकड़ाई है आईएएस, पूरा राज्य को सुखा देगी। आईएएस, आईएएस बनूंगा, देश का कल्याण करूंगा, बाद में जेल में रहूंगा। वाह, कमाल है। बीमारी जड़ में है, हम उसको ठीक करना
नहीं चाहते, हमको मास्टर बना दीजिए 32,000 वाला, पढ़ाई में नहीं पढ़ाएंगे नहीं, 6 बजे मॉर्निंग में खोल देंगे, 10 बजे बंद कर देंगे। जब इस सोच के लोगों को मास्टर बनाइएगा बिहार में, तो जो हाल अभी शिक्षा का है, आने वाले दिनों में हम लोग दिखाएंगे ये स्कूल हुआ करता था, यहाँ मास्टर साहब रहते थे, अब मास्टर तो रह गए, विद्यार्थी सब गायब हो गया। आने वाले दिनों में मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आप देख लेना, कहना जो मनीष भैया बोले हैं, स्कूल रह जाएगा, शिक्षक रह जाएंगे सरकारी, और स्टूडेंट वो है ना, एगो सोनू वायरल हुआ है ना, नालंदा का छोटका बच्चा 11 साल वाला है, ऐसे अनगिनत लोग, खाली स्कूल रहेगा, मास्टर बैठे रहेंगे, खैनी खाएंगे, बीड़ी पिएंगे। चलिए साहब, इसको अगर आपने नहीं बनाया तो आने वाले समय में इस देश को पतन होने से कोई रोक नहीं सकता। और ये युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार यही काम कर रहा है, उसका थुथुन रगड़ता है, रगड़ आप छोड़ दीजिए सर, आज बहुत रगड़ आ गया ना, और 2 बार रगड़, एक दो बार और रगड़, ये बात है सर। इसलिए भाई मेरे, इसी का नाम अध्यात्म है और गायत्री मंत्र है, जो आपको आपके अंदर से, गुरु बाहर नहीं है, गुरु कहाँ है, आपके अंदर है, जैसे रिमोट दबाते हैं और टेलीविजन पर सारा चीज आ जाता है, चूंकि इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं है, आप जैसे ही बैठते हो और भाव से अपने गुरु का ध्यान करते हो, अपने इष्ट का ध्यान करते हो, और बार बार अपने मन को रिपीट करते हो गायत्री मंत्र के माध्यम से कि मेरा मन अच्छा हो जाए, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, मेरी बुद्धि अच्छी हो जाए, अगर आप रोज रिपीट करते हो, आप विश्वास मानो, आप अच्छा होने लगोगे, आपका विचार अच्छा होने लगेगा, आपका सोच अच्छा होने लगेगा। और ये हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखा है हजारों लड़कों पर, इसलिए भारत का अध्यात्म युवाओं को समझाना है, नहीं IAS बना के खुश हैं, बहुत लोग अभी ताली मार रहे हैं कि इस बार बिहार में 41 IAS बना है, UPSC के एग्जाम में 41 लड़के बिहारी झंडा गाड़े हैं, खुशी तो है, खुशी की बात है, लेकिन वो 41 कुछ दिन के बाद बड़ा 82 की भूमिका में हो जाएंगे, हैं? इसलिए आप IAS बनो, IPS बनो, रेलवे में जाओ, बैंक में जाओ, लेकिन अगर एक अच्छे इंसान और सच्चे इंसान नहीं बने तो इस देश का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। आप चांद पर भी जाओगे तो कहोगे क्या करें, सुसु का जगह नहीं था, यहीं पर कर दिए, क्योंकि आपकी बुद्धि वही है। कई जगह मैं देखता हूँ दीवार पर लिखा रहता है यहाँ मना है, लेकिन देखेंगे कि वहीं खड़ा है। आप हो, आप पूछोगे उसको बुला के, ए बुआ BA Part 1 में है सर, अब बताइए इस बल गोविना को, हैं, इल्लुच्चा को, इसी को युवा कहिएगा, हैं, ये तो सरल का बैगन से भी गया गुजरा है। आप लोग बड़े अच्छे लोग हो, अपने ऊपर मत लेना, इसलिए स्मार्ट का मतलब समझ लीजिए, स्मार्ट मतलब हर चीज से स्मार्ट, सोचने से स्मार्ट, विचार करने से स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब ये नहीं कि हमारा थोबड़ा कैसा है, है गोल है कि लाल है कि सेब जैसन है कि हम, कोई वैल्यू नहीं हो, लाल अपियर, सुन लीजिए। इसलिए अध्यात्म का मतलब क्या बनना, स्मार्ट बनना, गुरु का मतलब जो आपको अंदर से प्रकाश दे, अंदर से शक्ति दे, अंदर से ताकत दे, ये गुरु है। और भारत गुरुओं का देश था, शिवाजी नाम सुना है आपने, शिवाजी किसके लड़के थे, गड़ेरिया का लड़का, गड़ेरिया समझते हैं, भेड़ चराने वाला, भेड़ चराने वाला, गड़ेरिया का लड़का, OBC दलित समुदाय का, भटक रहा है लौज लौज, चौकी पर सुत्ता, चौकी से गिरता, अंबेडकर जी का फोटो लगाया है लेकिन अंबेडकर जी से कोई लेना देना नहीं है, जय भीम 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 भीम, अरे भैया भीम पढ़ के भीम बने थे कि तोरे जैसन फोटो लगा के भीम नहीं बन ले हल थी। गड़ेरिया का बेटा कौन,
वीर शिवाजी उनको गुरु मिले, कौन गुरु? समर्थ गुरु रामदास। कहां से पढ़े थे? कोटा से, जेएनयू से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। देखिए इस देश में गुरुओं की शक्ति हमेशा रही है। समर्थ गुरु मिला किसको? शिवाजी को मिला। और शिवाजी की परीक्षा ली, क्या परीक्षा लिया? जाओ शेरनी का क्या ले आओ? दूध ले आओ। आप होते तो मास्टरवा पागल हो रही है, सब मरवावे के जोगाड़ कैले हो। वो सब कहे है समय दान दो, समय दान दो, हम रेलवे के फॉर्म भर ले हैं, समय दान दें, फ्री में कुछ गायत्री से दबाएगा तो दबा दे। आप करना, भगवान बिना लिए देता नहीं है। कोई तर्क नहीं किया, कहा ठीक है, गुरु ने कहा है कि शेरनी का दूध चाहिए, चल दिया। ये भी नहीं सोचा कि शेरनी कहीं हमला कर दिया तो क्या होगा। और शेरनी को देखा और कहा दूध, और जाके दूध दो लिया और जाके गुरु को दे दिया। और वो क्या हो गए? शिवाजी महाराज, मुगलों का छक्का छुड़ा दिया, राजा बन गए। एक फिल्म भी था, उन पर बना था ना, अजय देवगन, ताना जी, उन्हीं से जुड़ा हुआ मामला था। तो ये मैं कह रहा हूं, जमाना फिर लौट रहा है। पहले के हीरो हीरोइन लोग तर्क धिना दन, नाचा नाचा तू हो नाचा हम हो नाची। आप जमाना बदल रहा है, अब नया फिल्म देखिए, जमाना बदल रहा है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप अंधे हो तो हम क्या करें? अभी एक फिल्म आया, अक्षय कुमार ने लाया, पृथ्वीराज चौहान। आज से 10 साल पहले अगर पृथ्वीराज चौहान लाए रहते ना तो उनका ताला लग जाता। लेकिन जमाना क्या है, लोग भीड़ जाके देख रहा है कि हम अपने देश के महापुरुषों को समझें। जमाना बदल रहा है, जमाना बदल रहा है। इस बदलते जमाने में अगर हमने अपने आप को नहीं बदला तो आने वाले दिनों में कोई पोछने वाला भी नहीं रहेगा। इसलिए आपको वार्निंग दे रहे, चेतावनी दे रहे हैं, आप भी बदलो। जिस गुरु के संरक्षण में आप बैठे हो ये सामान्य गुरु नहीं है, इसकी शक्ति सामान्य नहीं है, इसका पावर सामान्य नहीं है। हम जैसे हजारों अनगढ़ युवा लोगों का कहां से कहां पहुंचा दिया, कहां से कहां उड़ा दिया है। मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कहता है अरे मनीष जी आ रहे हैं, इनके लिए देख लेना, इनके लिए व्यवस्था बना देना। किसके बल पर? कौन है ये? गुरु। गुरु की शक्ति, भगवान की शक्ति बड़ी है। रावण के दरबार में पहुंचा कौन? अंगद। अंगद कोचिंग में पढ़ता था, सब कहा तू जय में, उका नहीं हम नहीं जेबो, तू जय में ना हमार सीजली के एग्जाम है, तू जय में नहीं हम पीओ बनेंगे, पीओ पीओ झारखंड में पीओ, बिहार में बंद है पीओ। कोई तैयार नहीं हुआ, कौन गया? कौन गया? अंगद गया। और अंगद गया और रावण को ललकारा हॉस्टल में, ए भाई हॉस्टल में ललकारा, ये गायत्री वाला ही करे, हाँ रे वही वाला हो रही, पर्ची बांटित रहे रही, रोडों पर बोलते रहे जगह जगह ऊ आ बोला है, हैं? अंगद ने क्या किया, पैर लगा दिया, कहा उखाड़ के दिखा। सब बड़े बड़े उसके यहां जितने बड़े बड़े मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के रीजनिंग के टीचर थे, सब हिला के देख लिए। अंत में अपन चेला लोग के कहे कि तू सब देख, कहा नहीं उखड़ा सर। रावण स्वयं आने लगा, कहा नहीं तुमसे नहीं। बाद में जब अंगद अपने लॉज में गया तो सब बंदरवा सब उसको घेरा, अरे कैसे तू इतना हिम्मत दिखा दिया? कहा कि हिम्मत मेरा थोड़े था, हम तो राम जी के बल पर कूद रहे थे कि आज अगर पैर उखड़ा तो हम समझ जाएंगे कि उनका ताकत नहीं है,
इसलिए शक्ति किसकी? भगवान की, भगवान की शक्ति। ये समझिए, ये झोपड़ी या ये सब चल, अरे हमारा साथ, हम तो पूना मुंबई दिल्ली एक से एक मुंह कान वाला छोरा सबको रोज देखते हैं। अब देख के मैं घिना गया है मन, है कहा देख ले, कुछ कर ही रहे। अभी सैलून गए थे सर, बनवा के आए हैं, हबीब में कटवाते हैं सर। जा जब बाप माई पैदा कैले हो तो वो सोचते हो कि कहाँ से लफुआ आ गया हमारे घर में। ये मैं कहता हूँ, ये गायत्री मंत्र है, इसलिए आपको बार बार कहते हैं कि अंदर जाने दो, और जब अंदर की शक्ति जगेगी तो आपका जीवन शानदार बनता हुआ चलो, मजबूत बनता हुआ चला जाएगा। एक पक्ष से काम नहीं चलेगा, एक पक्ष मजबूत हो गया और दूसरा पक्ष अगर कमजोर हो गया, एक टायर में हवा रहे दूसरे टायर में हवा न रहे, और साइकिल पर चढ़िए क्या होगा। इसलिए साइकिल के दोनों टायर को मजबूत करना होगा, नर और नारी एक समान। आने वाला समय, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी गायत्री परिवार के संस्थापक, उन्होंने कहा बेटा नारी सदी आ रहा है। कौन सदी? अभी यूपीएससी टॉपर कौन बनी है? इनका खेला अब झुलफी तक सिमट रहा है। यूपीएससी टॉपर कौन शर्मा? पढ़ के कि मोबाइल देख के?